हेलो स्कॉर्पियोज, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टारोट। होप यू आर डूइंग गुड। ये आपके अप्रैल मंथ की फर्दर एनर्जीज के हवाले से रीडिंग है और एक जनरल रीडिंग होगी जो कि आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। आपसे फोन मैसेजेस को कंसीडर करें जो आपसे रेजोनेट करते हैं। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें, मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और अगर आप उसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो भी आप उसे मेरे इंस्टाग्राम पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स सी स्कॉर्पियो के आपके लिए फर्दर एनर्जीज क्या हैं, फर्दर मैसेजेस क्या आते हैं। स्कॉर्पियोज फर्स्ट मैसेज इज फाइव ऑफ वंड एंड नाइन ऑफ पेंटिकल्स। सो आप किसी फाइट में इस वक्त इन्वॉल्व हैं और लाइक आप किसी स्टेबिलिटी की तरफ मूव ऑन करना चाहते हैं, बट यहाँ पर आपके सामने बहुत ज़्यादा हर्डल्स हैं या फिर आपको बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आ रही हैं अपने फाइनेंशियल मैटर्स को बेटर बनाने में। या अगर रिलेशनशिप के हवाले से देखा जाए तो फाइनेंशियल मैटर बेटर बनाने में आपको थोड़ा वेट करना पड़ रहा है। ओके, सो आफ्टर सम टाइम आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन बेहतर हो रही है। लाइक आपको एक नई पोजीशन मिली है और आप एक जगह पे हैं जहाँ पे आपको अपनी स्टेबिलिटी के हवाले से बहुत ज़्यादा फाइट करनी पड़ती है। लाइक हो सकता है बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटर्स हों या फिर आपको रेजिस्टेंस का सामना होता हो, आपके फाइनेंशियल हालात बेहतर नहीं है, लेकिन आप आगे जाके इसी मंथ में फर्दर जो है आपके लिए फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत ज़्यादा परफेक्ट होती हुई मुझे नज़र आ रही है। कोई नई पोजीशन मिली है या फिर आपने एक जॉब से स्विच करके दूसरी जॉब ली है और फाइनेंशियल मैटर जो है वो आपके बेटर हो रहे हैं। इसके अलावा अगर ये रिलेशनशिप के वाले से देखा जाए तो भी अगर आप एक पर्सन को स्टेबिलिटी ऑफर करना चाह रहे थे तो लाइक यहाँ पे मुझे दो सिचुएशंस नज़र आ रही हैं कि एक पर्सन के साथ आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी है, बहुत ज़्यादा झगड़ों फसादों से निमटने के बाद आपको वो स्टेबिलिटी फिर भी नहीं मिल रही, तो आप एक हो सकता है किसी दूसरे ऑप्शन को कंसिडर करें जहाँ जो है वो स्टेबिलिटी है रिलेशनशिप की। या फिर अगर कोई दो लोग नहीं हैं, कुछ लोगों के लिए सिचुएशन हो सकती है कि जहाँ पे दो लोग नहीं हैं, एक को छोड़ के दूसरे के पास जाने वाली सिचुएशन नहीं है, जो लोग एक ही एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हैं वहाँ पर आप जो कंपटीशन है आपके लिए आपके पार्टनर के साथ, जो भी टग ऑफ वॉर काइंड ऑफ सिचुएशन चल रही है, लाइक कॉम्पिटिशन या फाइट वगैरह चल रही है, तो वहाँ से आप आहिस्ता आहिस्ता स्लो एंड स्टेडी निकल रहे हैं। जो भी ये कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उससे स्लो एंड स्टेडी निकल रहे हैं और स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहा है आपका रिलेशनशिप उस पर्सन के साथ। हो सकता है आप किसी अर्थ साइन से डील कर रहे हो, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, बट यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मुझे नज़र आ रही है। डेफिनेटली यहाँ पे रिलेशनशिप्स में रीयूनियन है, अगर आप किसी पर्सन के साथ रीयूनाइट होना चाह रहे हैं तो उसकी वहाँ पे भी स्टेबिलिटी है आपके लिए। ओके, सो जो लोग बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार थे कि उन्हें उनकी फाइनेंसेस के हवाले से, लाइक आपको कहीं फाइनेंसेस जो हैं वो आपके फंसे हुए हैं, आपके पैसे फंसे हुए हैं, मनी फंसा हुआ है, तो वो मनी भी आहिस्ता आहिस्ता मिड ऑफ द मंथ में, लाइक इस टाइम फ्रेम में आपको मिल सकता है। लाइक फाइनेंशियल सिचुएशन अगर आपको आपको बहुत मुश्किल हो रही थी अपने फाइनेंसेस किसी से निकलवाने में, तो वो मिल सकते हैं आपको। सो वट एवर यू आर मैनिफेस्टिंग, थिंग्स आपके फेवर में जा सकती हैं, लाइक सिचुएशन आपके फेवर में जा सकती है, जैसे आपने सोचा हुआ है, जैसे आपने मैनिफेस्ट किया हुआ है सिचुएशन को, उस तरीके से हो सकता है। लाइक चाहे फाइनेंसिस की बात हो, वर्क प्लेस पर आपके मनी के हवाले से कोई मैटर है, अगर आपको अपनी मनी जो है वो के हवाले से कोई प्रॉब्लम चल रही है आपके वर्क प्लेस में, तो वो सिचुएशन भी आपके हिसाब से बेहतर हो सकती है, आपके हिसाब से हो सकती है मैनिफेस्ट और पैन आउट हो सकती है। और इसके अलावा रिलेशनशिप में भी आपके हिसाब से चीज़ें पैन आउट हो सकती हैं, लाइक आपके टर्म्स एंड कंडीशन पे ये रिलेशनशिप इस टाइम फ्रेम में चल सकता है, लाइक जैसा आप चाहेंगे वैसा हो सकता है, या सिचुएशन आपके फेवर में जा सकती है और आप अपने आप को सिक्योर महसूस करेंगे मनी वाइज, आपको मनी सिक्योरिटी मिल सकती है और रिलेशनशिप की सिक्योरिटी भी एट अ टाइम मिल सकती है।
या फिर आप अपने आप को बहुत ज़्यादा सिक्योर करने की कोशिश करें, क्लोज्ड ऑफ होने की कोशिश करें, क्योंकि आप रीयूनियन चाहते हैं और अपनी इस रिलेशनशिप की सेफ्टी भी एट अ टाइम चाह रहे हैं कि ये रिलेशनशिप सेफ भी रहे, आगे लॉन्ग टर्म चले। सो इसके लिए भी आप बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं इस वक्त में। डेथ कार्ड ट्रांसफॉर्मेशन, डेफिनेटली यहाँ पर एक ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आई है और आ रही है, चीज़ें चेंज हो रही हैं, एक सिचुएशन ख़त्म हो गई, लाइक आपने एक सिचुएशन ख़त्म की है दूसरी से शुरू की है, चाहे रिलेशनशिप में हो चाहे वर्क में हो, एक जॉब छोड़ के दूसरी जॉब शुरू करिए, एक रिलेशनशिप छोड़ के दूसरे रिलेशनशिप में गए, या फिर कोई सिचुएशन एंड हो रही है, अगर एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप आपका परफेक्ट है तो उसमें एक सिचुएशन एंड हो रही है जिसमें अनस्टेबिलिटी से आप स्टेबिलिटी पे जा रहे हैं। सो स्कॉर्पियोज, ये थी आपकी रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। इफ इट्स रेजोनेट्स यू, प्लीज़ लेट मी कंफर्म इन द कमेंट बिलो, लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।